हमारे फेसबुक चैनल को अवश्य लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारा न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। किशनगंज जिले के दीघल बैंक के सावित्री एचपी गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय और प्रखंड प्रमुख के पुत्र गणेश सिंह के बीच गैस को लेकर विवाद हुआ और यह मामला पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के समक्ष पहुंच गया। 29 मई की शाम गैस बांटने डिलीवरी बॉय निकला। इसी दौरान दीघल बैंक प्रखंड प्रमुख के पुत्र गणेश सिंह ने फोन कर घर गैस पहुंचा देने को कहा। सतीश ने कहा कि मैं प्रखंड के तुलसिया की तरफ गैस वितरित कर रहा हूं और यहां से दूरी काफी है। सिलेंडर बांटकर गैस डिपो लौट रहे वेंडर सतीश को गैस गोदाम के सामने ही प्रखंड प्रमुख के पुत्र ने घेर कर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथ ही गैस नहीं देने का कारण पूछा। वेंडर ने कहा कि कल पहुंचा देंगे। इस बात से प्रमुख के पुत्र आग बबूला हो गए तथा वेंडर के साथ जमकर मारपीट करने लगा। इस घटना के सूचना देने के लिए दीघल बैंक थाना पहुंचे पीड़ित वेंडर को बगैर FIR दर्ज किए वहां से गाली देकर भगा दिया गया। आज इस घटना की सूचना किशनगंज के SP कुमार आशीष के पास पहुंची तो सबसे पहले FIR दर्ज हुआ और कहा कि जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला? मामला हम एक गैस डीलर हैं सर। मेरा ये डिलीवरी जो गैस देने गया था फिर किया तो प्रमुख पुत्र ये गणेश सिंह फोन किया कि बाबू हमको गैस दे दे। तो वो बोला भैया ठीक है हम पहुंचा देंगे गैस, लेकिन गैस बांटते बांटते गैस ख़त्म हो गया। वो जैसे गैस एजेंसी आया पीछे से वो आके बोला तुम गैस क्यों नहीं दिए? बोला भैया गैस खत्म हो गया, कल भोरे दे देंगे। किसी में भद्दी भद्दी गाली देने लगा, इसमें मार्केट का पैसा उसका छिनतई कर लिया। उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तब तक वो भाग गया। क्या लग रहा है कि सीधे तौर पर जो जनप्रतिनिधि है उसका फायदा उठाते हुए दबंग कर रहा है? हाँ, हम लोग को पहले भी डराया धमकाया जाता है कि तुम छोटे जाति का हो और एजेंसी चलाते हो, बहुत पैसा कमा लिए, पैसा तुम्हारा घुसा देंगे। इस मामला को लेकर हमने थाना गया तो थाना में फिर थानेदार क्या किया, उसको बुलाया मदन सिंह उसका बेटा को, फिर कोई कार्रवाई नहीं किया और हम लोग को फिर वहाँ भी खूब गाली गलौज किया। मतलब वहाँ थाने पे इंसाफ भी नहीं मिला और FIR भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बोला जाओ जो करना है कर लो। और ये मदन सिंह प्रमुख बोलता हूँ कि जितना पैसा हम लोग कमाए हैं तुम लोग बोले मुफ्त देते हैं, उस तरह का भाषण भी बोला। तो अभी SP के पास आए तो वहाँ अभी SP साहब रिस्पांस मिली है? हाँ, SP साहब के यहाँ आए तब SP साहब रिस्पांस लिए, फिर थानेदार को बोले, उसके बाद अभी FIR हुआ। क्या नाम है आपका? सिपूजन दास। हाँ, क्या हुआ था 29 तारीख को? जी हम आए 5:30 बजे जाके गाड़ी लगाए, वो पीछे से आके हमको आके मार रहे हैं। क्या चीज़ का गाड़ी लगाए? पिकअप का है। पिकअप क्या करते हैं आप? गैस डिलीवरी करते हैं। वो घर घर गैस देते हैं तो कौन मारने लगा? गणेश सिंह राजू। उनके पिता क्या हैं? प्रमुख। और उनके मम्मी प्रमुख है? जी। क्या नाम है उसकी मम्मी का? पूनम देवी। तो क्या लग रहा है कि मतलब कि दबंगई दिखा के आपके साथ मारपीट किया गया? जी। और क्या जाति सोचा, कुछ गाली वगैरह भी दिया? गाली भी दी। क्या बोला? साले मतलब हरिजन तुम्हारा इतना आकाद हो गया है, हमको नहीं पहचानते हो, चमड़ी उधर देंगे, ये कर देंगे, मार के ख़त्म कर देंगे, हमको नहीं जानते हो। और इंसाफ के लिए फिर थाने में गए तो क्या हुआ? वहाँ भी हमको मतलब डांटा गया। हाँ, बोल रहा है हम लोग मतलब तुम लोग जितना कमा नहीं पाओगे हम उतना पेशाब करके मतलब फेंक दिए हैं इलेक्शन में। मतलब कि उल्टे आप गैस पहुंचाने के लिए गए थे और उसके बाद आपके साथ मारपीट किया गया जी। और उसके बाद जाति सूचक गाली भी दिया गया जी। समझे? और थाने में थाना अध्यक्ष के सामने गाली दिया गया? ये बात बोला कि तुम लोग जितना कमा नहीं पाओगे हम उतना इलेक्शन में पेशाब करके मुंह दिए हैं। तो थाना अध्यक्ष के सामने में बोला जी? ऐसा ही बोला। और वहाँ पे FIR नहीं किया? FIR नहीं किया। तो आज जाओ हम देखेंगे। आज FIR यहाँ किशनगंज आने के बाद हुआ जी। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार हरिजन। साधे फूल।